हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय सुप्रतो भाई। वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। भाई आज का सीन है कि कोचिंग के लिए रेडी और हो गए हैं लेट, 15 मिनट तो लेट भाई डेली हो जाते हैं पता नहीं क्यों। और नेताजी उठ गए हमारे, देखो ये नींद खुल गई नेताजी। नेता भाई हो चाहे कुछ जल्दी उठ जाता है, अजय तो बात है पढ़ने वाला लंडा है, मजाक चाहे कितना भी करे यार फोर्स का एग्ज़ाम डालेगा, डाला है निकल जाएगा उसका। चलो कोई नहीं, हम भी देखते हैं क्या होगा। तो भाई आ गया हूँ भाई रुद्रा क्लासेस में, मैथ्स विद राघव सर। ये भाई राघव सर हैं, इन्होंने भाई लॉकडाउन में आप ऑनलाइन भी पढ़ाए हो, अगर किस कोई बंदा जानता हो अन अकेडमी में पढ़ाते थे लॉकडाउन में। और अभी तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पहले से ये कोचिंग फाउंडेशन अपनी फुल रखी है रुद्रा क्लासेस, और कंपटीशन तैयारी करते हैं भाई। नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। वैसे अभी मैं दे दूँगा और भी। और ये भाई छपेड़ा पुलिया पे आप आओगे, सामने भोला बाबा का मंदिर पड़ेगा, उसके फ्रंट ही में ये भाई इनका मतलब क्लासेस चल रही हैं। ये भाई क्लास है और ये ऑफिस है। अब हम लोग ऑफिस में पूछते हैं कौन बैठा है। तो मैम बैठी हैं भाई, आज पूछते हैं भाई क्या क्राइटेरिया है। ऑफिस देखो भाई मस्त, एसी का लगी, एसी लगी है भाई। जो अपने हम एडमिशन का क्राइटेरिया है वो हम क्या है? स्पीड टेस्ट प्रैक्टिस और फीस अपने यहाँ कितनी है मैम? ₹1500। और कोई न्यू बैच? बेटा न्यू बैच अगले मंडे से स्टार्ट होने वाला है। अगले मंडे से, ठीक है। शाम को भाई 5 से 6:30। और ये देख सकते हो भाई सिलेक्शंस, लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिख रही हैं आज भी। उस वार्ड में भी भाई ज़्यादा लड़कियाँ हैं पता नहीं क्यों। और अंदर भाई लाइब्रेरी भी अभी दिखाऊंगा, और वो अंदर क्लास चल रही है, क्लास भी दिखा दूंगा भाई, लेकिन अपनी दिखाऊंगा, ये वाली नहीं। अभी हमारी क्लास भी होगी, इसके बाद सिलेक्शन वगैरह देख सकते हो। और आपको सीट्स भी मिलती हैं, ये देखो ये इतनी सारी सीट दिख रही है नीचे से ऊपर तक। ये भाई सीट्स देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, घर पर ले जाओ आराम से करो। डेली डेली क्लास सॉरी सीट्स डेली डेली, और टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं वीकली। सिलेक्शन तो देख ही सकते हो भाई बहुत हैं। दिस इज़ लाइब्रेरी ऑफ रुद्रा क्लासेस। भाई राघव सर खड़े हैं, देखो भाई डांटते रहते हैं बच्चों को, और हर घंटे भाई लाइब्रेरी चेक करने आते हैं कौन बच्चा पढ़ रहा, कौन बच्चा मज़े मार रहा, कौन पबजी खेल रहा। अभी बच्चा एक पबजी खेल रहा था मज़े में, बोर भी हो जाते हैं तो भाई लोग खेलने लगते हैं। अभी देखो आपको दिखेगा, वैसे ज़्यादातर लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं और कुछ नहीं, मस्त लाइब्रेरी है। 2-3 AC भी लगी हैं, वाईफाई वगैरह सिस्टम। ये देखो भाई पबजी खेल रहा, ये सब देखने आते रहते हैं हर घंटे अपने राघव सर। मस्त सीन होता है भाई लाइब्रेरी में, अच्छी है, स्पेस भी बहुत है, एसी वगैरह हर सुविधा है जो आपको भाई लाइब्रेरी में चाहिए। और ये हमारा ऑफिस मतलब सर का, मेरा तो नहीं है। और एक बार फिर से आप देख लो भाई लाइब्रेरी बाहर से ऐसी होती है भाई लाइब्रेरी, क्योंकि शांति का माहौल जहाँ रहे भाई भाई वही लाइब्रेरी बन जाती है, और कुछ नहीं यही होता है। आगे भाई दोबारा से कोचिंग देख लो, इतने लोग हैं अभी, ये अपना क्लास सर अभी आए नहीं है भाई, चाय पी रहे हैं आ रहे होंगे भाई। तुम क्या नाम है भाई? अमित पाल। अमित पाल क्या नाम है? हितेश कुमार सिंह। ये तो वही है भाई जिनकी शॉर्ट पड़ी है। हाँ और भाई पीछे लोग भी बैठे हैं, राघव क्लासेस में आते हैं सब लोग, रुद्रा क्लासेस। भाई मैं निकल गया हूँ क्लास ओवर अपनी, मस्त भाई रुद्रा क्लासेस में आके एडमिशन लो। अभी घर पे और रिव्यू दूंगा चल के। और आज यार मैं मंदिर गया था सुबह सुबह, ये जो पीछे दिख रहा है भाई, जब मैं सही बताऊँ
जब मैं कोचिंग ना के आता हूँ तो आपको भाई टीका लगा दिखता होगा मेरे फेस पे। जब जब ना के आऊँगा तो भाई मंदिर बिना जाए मंदिर आऊँगा नहीं इस क्लास में। ना के आऊँ मतलब ना के आऊँगा तो भाई मंदिर जाऊँगा, उसके बाद इस फाउंडेशन में एंटर करूँगा, ये सीन है। तो भाई घर चल के, धूप ज़्यादा लग रही है, घर चल के बात करते हैं आप। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं, पता कहाँ, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कहाँ चल रहे हैं? पोस्ट ऑफिस काका देव के। पोस्ट ऑफिस में क्या भाई, एक पार्सल आ रहा है, उसमें क्या आएगा वो मैं आपको रूम पे बताऊंगा। क्यों चौबे जी, उसमें भाई एक अच्छी चीज़ है ब्लॉगिंग के मतलब से है, मस्त। एक्चुअली मैं बता दूं चौबे जी, बता दें चौबे जी ने कहा भाई बता दूं। तो भाई माइक मंगाए, माइक लेने चल रहे हैं फटाफट। माइक लेके आएंगे फिर भाई हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे अपने रूम पे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं बस। तो भाई ये है पोस्ट ऑफिस नवीन नगर का, कानपुर का देव 2080-25। देखो भीड़ है भाई अपने अपने पार्सल लेने के लिए। कुछ लोग भाई बैंक, पोस्ट ऑफिस में बैंक वगैरह भी होता है ना, रुपए ऊपर जमा कर रहे हो क्या पता। ये देखो रुपए वाले हैं, पासबुक है इधर, भाई पार्सल वाले हैं। चौबे जी फ़ोन लगाया जाए, पार्सल तो भाई मिल गया है, छोटे से माइक्स हैं, अब घर पर अनबॉक्सिंग करते हैं। और एक्चुअली में वहीं पर बताते हैं एक चीज़ और है। तो आज हमारे पास आए हैं माइक जो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, जो हमने तो नहीं किए थे, मेरे भाई ने किए थे। तो हम लोग इसको रीओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखो छोटे से माइक है भाई, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लिटिल लिटिल वाले हैं। ये माइक है ये इसके भाई, चार्जिंग भाई। ये सेकेंड माइक, तो हमारे पास आ गए हैं दो माइक्स, इसे ऐसे करके लगा सकते हैं हम लोग। देखें तो भाई ये जो ब्लॉग था ना भाई, वो प्रॉपर रुद्रा क्लासेस का था। जो माइक आज आ गए भाई, जो मोहन भैया ने भेजे थे हैदराबाद से, तो मैंने उसका डाल दिया। वैसे ये प्रॉपर ब्लॉग रुद्रा क्लासेस का था, राघव सर वाली मैथ का, जो मैथ पढ़ाते हैं सर राघव सर। तो भाई दो बातें करती है, एक तो माइक के बारे में और एक रुद्रा क्लासेस के बारे में। तो पहले रुद्रा क्लासेस से बात करते हैं। तो भाई रुद्रा क्लासेस भाई एक अच्छी फाउंडेशन है, उन सर को एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है। और वो भाई जैसे कुछ टीचर होते हैं कि मतलब जैसे अपने कोर्स में ही चैम्पियन, नहीं ये सर क्या है भाई, अपने कोर्स में चैम्पियन तो हैं सस्ती, बट तुम बाहर के भी कोई क्वेश्चन लाओगे कहीं से भी, वो क्वेश्चन बताने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बता सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लेके आओ सब बता देंगे, किसी क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं, ठीक है। और रही बात डिजिटल बोर्ड नहीं है, कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं भाई, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये सब भाई पढ़ाई में नहीं देखा जाता। नंबर वन चीज़ क्या होती है भाई, कि टीचर कैसा है। तुम्हें भाई बता रहा है, एक बार पूछो 100 बार पूछो बता रहा है ना भाई, ये मस्त है बस। और ऐसा भी नहीं कि इसमें बच्चे कम, बच्चे बहुत हैं, क्योंकि इनके भाई कम से कम 7 से 8 क्लास लगते हैं दिन में। 8 बजे शुरू होते हैं, फिर दोपहर में सिर्फ 2 घंटे भाई गैप होता है, उसके बाद बिल्कुल 8 बजे तक क्लास चलती है। क्योंकि 2 बजे तो हम ही जाते हैं इनके, फिर शुक्ला वगैरह रात शाम वाले में जाता है, ऐसा सीन बनता रहता है। तो मुझे पता है कितने बच्चे लगते हैं, बच्चे बहुत हैं क्लास, मतलब जिसमें बच्चे कम होंगे ना, तो भाई उसमें तो सबको पता है कि भाई अच्छा समझ आएगा। एक एक बच्चे के ऊपर फोकस होता है टीचर का, तो भाई वो सही से समझाएगा, सब फोकस करेगा तो तुम पे पूछेगा, तुम पे पूछेगा तो तुम अगले दिन प्रिपेयर करके आओगे, ये सब सीन रहते हैं। तो जिसको भाई कंपटीशन तैयारी करनी हो, मैथ के भाई राघव सर बेस्ट टीचर हैं काका देव में, मतलब जो छपेड़ा पुलिया वहाँ पे। CGL के लिए, SSC CGL के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, और पुलिस वगैरह के कुछ भी कंपटीशन के एग्जाम, मस्त टीचर हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगे। आप लोग भाई आओ एडमिशन कराओ। और 3100 फीस है भाई, वन टाइम पेमेंट, 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट, उसके बाद अगर 2 टाइम पेमेंट करोगे तो 3500 बस। और अब करते भाई अपने माइक्स की बात। तो माइक हैं भाई, दो माइक ये जो हैं भाई वो मोहन भैया ने भेजे हैं, हमने लिए नहीं लिए हैं, मेरे पास तो रुपए भी नहीं थे, तो मोहन भाई ने अपने आप भेज दिए कि भाई तुम अब माइक भी यूज करो। तो एक चैनल हम लोग और बना सकते हैं आफ्टर माई एग्ज़ाम, उस चैनल पर सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह आएंगी। अब वो किस कंटेंट में आएंगी वो मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊँगा। और उसके बाद बस यही सीन है। माइक भाई अच्छे हैं, अच्छी साउंड क्वालिटी है, सब चेक करके वगैरह देख लिया। अब इसके बाद जो ब्लॉग आएंगे, अभी 2-3 दिन बाद के जो ब्लॉग आएंगे, उसमें माइक से यूज होगा, हम लोग भाई माइक का यूज करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं। रुद्र क्लासेस में भाई एडमिशन करा लो,
इसको भी कराना है काका देव वाले तो समझ जाए। और बाहर से भी जो लोग आए ढूंढते ना डेमो वगैरह लेते हैं, डेमो वगैरह क्या लेना भाई, सीधे जाओ रुद्रा क्लासेस में लो। और कंपटीशन के लिए भाई काका देव में इंडिविजुअल क्लासेस मस्ट हैं बस, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पेंड करते हैं, बाय बाय टाटा स्वीनर्स ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। भारत माता की जय।